समरूपा और फुलवरी का, उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करके हमने एक मीटिंग बुलाई जिसमें ऑनरेबल MLA श्री शुभांशु दास जी, मधु जमाल जी और CPIM से श्री कृष्णेंदु चौधरी जी, सब लोग शामिल थे और भी उनके कई कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस तरह की कोई भी दुर्घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे कि ना वो इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, और अगर इन्वॉल्व हुए तो सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसमें वो किसी तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो 99% लोग अच्छे हैं और जो 1% लोग इसका कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ जाएं कि कोई भी पॉलिटिकल एफिलिएशन का उनको सपोर्ट नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, और अगर पीड़ित की तरफ से कोई भी कंप्लेन आएगी तो पुलिस उसमें उनका कड़ी से कड़ी उनमें पनिशमेंट दी जाएगी। मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग जो 2-4 इंसिडेंट्स हुआ है इस तरह के किसी इंसिडेंट का रिपीटेशन नहीं होगा, और कुछ जो लोग शरारती तत्व हैं जो इस तरह के इंसिडेंट करके भाग रहे हैं या कुछ छोटी मोटी घटनाएं कर रहे हैं तो उनको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और पुलिस उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेगी।